एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्र के पास से गुज़रे तो आवाज़ दी कि एक कब्र वाले अल्लाह के हुक्म से उठो। तो एक शख्स कब्र से निकला और कहा कि ऐ रूह अल्लाह, आपको मुझसे क्या काम था, मैं तो 70 साल से हिसाब में फंसा हुआ हूँ। अभी आवाज़ आई कि रूह अल्लाह की आवाज़ का जवाब दो। आप रहमतुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया, 70 साल से हिसाब दे रहे हो, यकीनन तुम्हारे गुनाह और नाफरमानियाँ बहुत होंगी, बताओ तुम क्या करते थे। इसने कहा, ऐ रूह अल्लाह, अल्लाह की कसम में लोगों की लकड़ियाँ सर पे उठा के एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया करता था और इस मेहनत की मजदूरी से हिलाल खाता था और सदका खैरात किया करता था। आप रहमतुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, क्या अजीब बात सुना रहे हो, अपने सर पर लकड़ी ले जाने का काम करते थे और हिलाल खाते थे, सदका भी करते थे और 70 साल से हिसाब देने में लगे हो। इसने कहा, अल्लाह ने मुझे ये कहकर पकड़ लिया कि तुमने एक दफ़ा मेरे एक बंदे की लकड़ियाँ उठाई थी तो इससे तुमने एक तिनका तोड़ा था और इससे दांत में खला करके इसे लकड़ियों के दरमियान रखने की बजाय फेंक दिया था और मुझसे डरा नहीं था, हालांकि तुम अच्छी तरह जानते थे कि मैं तुम्हारे इस खयानत के बारे में खूब वाकिफ़ हूँ और तुम्हें देख रहा हूँ। इस वाक़े को बयान करने का मकसद ये है कि हम कितने लोगों की चीज़ें बग़ैर पूछे खा लेते हैं, बग़ैर पूछे उठा लेते हैं, उसे पता तक नहीं चलता, लेकिन अल्लाह पाक सब जानता है, वो हमें देख रहा है, हर जगह मौजूद है और आखिरत में हमें किसी एक चीज़ के बदले में भी पकड़ लेगा। जो जितने गुनाह हमसे हुए हर एक का हिसाब देना पड़ेगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका हमें हिसाब ना देना पड़े। आज भले हम ये कह लें यार छोड़ो कहाँ का हिसाब, किस बात का हिसाब, लेकिन याद रखिए हमें आखिरत में अपने अल्लाह को हिसाब देना है। ये दुनिया सिर्फ फ़ानी है, अल्लाह पाक ने फरमाया है ये दुनिया मैंने तुम लोगों के लिए धोखा बनाई है। जब अल्लाह पाक ने खुद फरमाया दुनिया धोखा है तो हम इस धोखे में क्यों रहें। तो इस बात का ख्याल रखिए कि दोबारा या फिर कभी या आइंदा या ज़िंदगी में कभी भी किसी की चीज़ बगैर पूछे ना लीजिए, क्योंकि अल्लाह पाक हर जगह मौजूद है और मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। हो सकता है आप किसी कोई चीज़ खा रहे हों या छुपा रहे हों और उसी वक्त आपको मौत आ जाए और फिर हम इस दुनिया में तो बंदा जलील हो ही जाए और फिर अपने रब के सामने आखिर में भी जलील हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब दिस चैनल।